नमस्कार, मैं हूं मोक्ष वार्ष्णेय। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सबके सामने हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुमानों से लगातार 3 कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होते नजर आ रहे हैं। वहीं युवा तेजस्वी यादव बेरोजगार नौजवानों के भरपूर समर्थन के दम पर बिहार चुनाव में स्वीप करते दिख रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या के साथ लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों ने जो झेला और नीतीश सरकार ने उस पर जो रुख दिखाया, उसने भी तेजस्वी का सत्ता में आने का रास्ता तैयार कर दिया। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 243 सदस्यीय विधानसभा में 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सत्तारूढ़ एनडीए को महज 69 से 91 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। केंद्र में एनडीए की पार्टनर और बिहार में अपने बूते पर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी को एग्जिट पोल के मुताबिक महज 3 से 5 सीटों पर जीत होने का अनुमान है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था और महागठबंधन ने 178 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त एनडीए में बीजेपी के साथ एलजेपी, आरएलएसपी और एचएएम थी, जिन्हें कुल 58 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। लेकिन 2017 में नीतीश महागठबंधन से बाहर आ गए और फिर एनडीए से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी के सुशील कुमार मोदी का नीतीश को साथ मिला। विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी के अलग जाने से जेडीयू की संभावनाओं को कई सीटों पर नुकसान हुआ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 31 साल के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर 44% प्रतिभागियों ने पसंद किया। वहीं नीतीश को 35% वोटरों ने ही एक और कार्यकाल देना पसंद किया। एलजेपी नेता चिराग पासवान को 7% वोटरों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद बताया। आपको बता दें, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वे पिछले 53 साल के देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले 1967 में पुडुचेरी में एमओ हसन फारूक 29 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी सीएम बने तो एक और रिकॉर्ड लालू परिवार के नाम पर जुड़ेगा, वो ये कि एक ही परिवार की 2 पीढ़ियों से ही 3 मुख्यमंत्री बनना। लालू यादव और राबड़ी देवी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। न सिर्फ तेजस्वी की युवा अपील ने उनके लिए जीत का आधार तैयार किया, बल्कि ऐसा लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर नीतीश सरकार की नाकामियों ने भी उनका रास्ता आसान कर दिया। एग्जिट पोल के 25% प्रतिभागियों ने नीतीश सरकार पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं 31% वोटर बदलाव चाहते हैं। सिर्फ 12% ने तेजस्वी का युवा चेहरा होने की वजह से उन्हें वोट देना पसंद किया। आपको बता दें, बिहार में 42% वोटरों के मुताबिक सबसे ज्यादा विकास के मुद्दे ने उनकी वोट देने के फैसले को प्रभावित किया है। बेरोजगारी दूसरा फैक्टर रहा, जिसने 30% वोटरों के वोट देने के फैसले पर असर डाला। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक 11% वोटरों ने महंगाई को वोटिंग के लिए सबसे अहम मुद्दा बताया। वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जातियों में से 41% वोट एनडीए को मिलने का अनुमान है। वहीं इस वर्ग से 35% प्रतिभागियों ने महागठबंधन पर भरोसा जताया। एनडीए को ओबीसी और ईबीसी से 57% वोटरों का समर्थन मिलने का अनुमान है। लेकिन मुस्लिम, यादव और युवा फैक्टर महागठबंधन की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अच्छी तरह से भुनाया, साथ ही आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाकर खुद को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस चुनाव में यादवों में से 83% और मुस्लिमों में से 79% मतदाताओं का समर्थन महागठबंधन को मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और देश प्रदेश की खबरों को जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।